अल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम रमज़ान स्पेशल का स्पेशल सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और आप देखिए ये कितनी ज़बरदस्त से डिश शेयर करने जा रहे हैं। मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और उसमें मैं ये फ़िश के दो पीसेस जो हमसे ये रख लेंगे, ठीक है। इसी में मैं इसको अच्छी तरह से दम में पकाऊंगी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए फिश हो चुकी है, बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। अब मैं उसको उतार लूँगी और इस फिश में से कांटे निकाल लूँगी। मैंने ये फिश जो आम मसाला लगाते हैं फिश को, वैसे मसाला लगाया हुआ था और उसके बाद मैंने इसको दम में पका लिए थोड़े से घी में। मैंने तीन चम्मच घी लिया है, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा लहसुन पेस्ट, और थोड़ा सा अदरक पेस्ट, इनको थोड़ा सा रेड करूँगी। मेरे पास मौजूद हैं शिमला मिर्च, गाजरें और बंद गोभी। मैंने इनको इस शेप में, लंबी लंबी शेप में काट लिया है, इसी तरह शिमला मिर्च को काट ली है और ये जा रही हैं इसमें शामिल होने, शिमला मिर्च, गाजरें और बंद गोभी। इनको मैं इसी के पानी में, यानी शिमला मिर्च, बंद गोभी और गाजरों के पानी में ही भूनूंगी घी में, यहाँ तक भूनूंगी कि ये जो हमसे हैं ये बिल्कुल श्रिंक से हो जाए, ठीक है। इन सब्जियों का पानी खुश होने तक इनको हल्की आंच से पकाएंगे। दाली का मैं पैकेट ली गया पेट पॉलर वालों की है और मैं इसको आधा जो हिस्सा है अपनी एक दूसरे पैर में डालूंगी और इनको उबाइल कर लूँगी। आधा पैकेट गर्म मसाली और दो कप पानी डाल के मैं इसको उबाल करने के लिए रख दूंगी। इसमें थोड़ा सा ऑयल भी शामिल करेंगे तकरीबन एक चम्मच, ताकि ये आपस में चिपके नहीं, ओके। इसको मैं दूसरी तरफ चूल्हे पर चढ़ा दूँ जी। देखिए थोड़ी सी हमारी सब्जियां गल चुकी हैं उसी पानी में, तकरीबन ये हाफ पक चुकी हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ चम्मच नमक, जनाब हाफ चम्मच ही डालना, हाफ कप ना डाल देना नमक का, और हाफ चम्मच काली मिर्च पिसी हुई, ठीक है, हाफ चम्मच दादरी मिर्च। आप इस क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इसी तरह देखें मैं विंगर डाल रही हूँ, जो कि हमारी इस रेसिपी की मेन चीज़ें हैं, विंगर दो चम्मच, रेड चिली सॉस रख दूँगी ताकि ये जो सारे मैंने मसाले डाले हैं ये इसमें अच्छी तरह से जज़ब हो जाएं। उसमें से कांटे निकाल रही हूँ, ये कांटे निकाल के आपने इसको इस तरह से शेप में रख देना है, ठीक है। कांटे अच्छी तरह से निकालने हैं कि कांटा कोई मुंह में ना आए। ये देखें बिल्कुल अच्छी तरह से सब्जियां हमारी पक चुकी हैं। इस स्टेज पे डालूंगी मैं केचप, केचप की मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाले हैं। केचप के साथ हमारी जो वर्मसैली है इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आएगा इंशाल्लाह ताला जी। अब वो जो फिश जो मैंने तैयार की थी उसको मैंने सारे उसमें से कांटे निकाल लिए और इसमें शामिल करने जा रही हूँ, ठीक है, आ जाए, ठीक है। अब इसमें मैं शामिल करने जा रही हूँ ये वर्मा सैली, जो कि मैंने उसमें से पानी निकाल के रख दी है,
चरनी में डाल के ये वर्मसेली इसमें शामिल करेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। इसको थोड़ी देर के लिए दम पे रखते हैं। जी दम हो चुका है। इतनी ज़बरदस्त सी उसकी लुक आई है। मैं इसको डिश आउट करूँगी और सर्व करेंगे।